हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ इस टाइप का पिक्सआर्ट बैकग्राउंड कलर चेंज फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। सो ये इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर जल्दी आके सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे हमारा अपकमिंग अपडेट आपको मिलता रहे। सो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वाले फोटो को मैं पहले से ही स्किन स्मूथिंग करके रखा था एंड थोड़ा डर्ज एंड बर्न इफेक्ट डाल के रखा था। सो आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मतलब नीचे कमेंट करो एंड वहाँ पे आपके रिक्वेस्ट में एक वीडियो बना दूंगा आपके ऊपर। सो सिंपली इस फोटो को शेयर कर दूंगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो सिंपली आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के में आपके फ़ोटो को शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आपको क्या काम करना है, सिंपली आपको इस टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है। एकदम ऊपर आप देख सकते हो, टूल्स वाले ऑप्शन में जाके आपको सिंपली इस कर्व वाले ऑप्शन में जाना है। इसमें जाके आपको यहाँ से देख सकते हो कलर चूज वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्लिक करके आपको ग्रीन कर रखना है एंड यहाँ से देख सकते हो बहुत सारा लाइन है। ये पूरा कलर चेंजिंग वाला लाइन है, मतलब जहाँ पे भी आप रखोगे तो उसका कलर पूरा चेंज होगा, जैसे आप देख सकते हो। तो इसको मैं सिंपली दिखाने के लिए आपको बोला था। सो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले में आपको लाना है इसको सिंपली। सो ये करके आपको डन कर देना है एंड सिंपली देख सकते हो कलर चेंज हो गया। एंड अभी आपको जो काम करना है, सॉरी एक बार और कर लेता हूँ मैं। तो सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन में कर्व्स वाले में जाना है एंड यहाँ से ग्रीन वाला सिलेक्ट करके इसमें लाना है। एंड ऊपर देख सकते हो इरेज वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो उसमें जाना है एंड इरेज में जाके आपको हार्डनेस को कम करना है एंड ऑपोसिटी को फुल रख सकते हो। मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, 90 का राउंड कर रहा हूँ एंड साइज़ को 50 रख रहा हूँ। एंड इसको सिंपली आपकी स्किन के ऊपर से ऐसे मिटा लेना है और सिर्फ बैकग्राउंड में छोड़ना है। सो जहाँ जहाँ पे आपको नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे अगर इरेज हो जाए ऐसे, तो आपको सिंपली रिस्टोर में क्लिक करके ऐसे फिर से पेंट कर देना है। सिंपली मैं यहाँ से भी हटा लूँगा। तो ऐसे हटा लेता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा इधर से हो गया था, तो सिंपली इसको राइट क्लिक कर देना है एंड यहाँ से भी कर देना है एंड सिंपली आपको फिर से टूल्स वाले ऑप्शन में जाके थोड़ा एडजस्ट वगैरह कर लेना है। तो सिंपली ब्राइटनेस को हल्का हल्का बढ़ा रहा हूँ मैं, हल्का एकदम, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, सैचुरेशन को भी थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ मैं एंड हाईलाइट को थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो यहाँ से राइट क्लिक कर देना है एंड अभी आप देख सकते हो फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर, जरूर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक के लिए बाय।